I'm getting distracted here because there's a guy getting his hair cut in the front row right now. Yes, ये हूँ मैं नेशनल टीवी पे बाल काटते हुए. लोगों का रिएक्शन देख के तो अंदाजा ही गया होगा. लाइफ में कभी सोचा तो नहीं था, पर जितना आसान दिख रहा है ना, उतना आसान बिल्कुल नहीं था. हाँ भाई, आईपीएल फाइनल आई गया. हाँ भाई, सीएसके वर्सेस जीटी कौन जीतेगा? ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस भाई, सब फिक्स्ड रहता है ऑब्वियसली. क्या आईपीएल फिक्स्ड रहता है? हाँ भाई, सब पैसे के लिए होता है. और अगर गुजरात हार गई तो? जो बोलेगा वो करूंगा भाई, जो बोलेगा. जो बोलूंगा वो. हाँ भाई. भाई आईपीएल फाइनल तो गुजरात में है यार. मन बनाना तो गुजरात दूर नहीं है भाई. भेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा तेरे. मुंबई सिटी नेवर स्लीप्स पर. यहाँ तो एयरपोर्ट पूरी तरह से सो चुका है. सस्ती फ्लाइट ले रहे ना, इसके लिए हमको थोड़ा भाई इतना नहीं बोलना था वीडियो में. गाइस, कैन यू बिलीव हम ऑल द वे गुजरात जा रहे हैं सिर्फ एक हेयर कट करने के लिए. जब तू हमको पूरा एक रात रुका सकता है ना भाई, एक फॉरेस्ट के बीच में, तो हेयर कट तो छोटी हर महीना करता हूं भाई. पर तू अपनी मम्मी को बोल के आया ना कि आज तक गंजा हो सकता हूं. गुजरात में एंट्री हो चुकी है. बोलो ढोकला 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 बोलो. गुजरात 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 जाने का भाई, गुजरात जाने का. पर हाँ, हम गुजरात भी पहुंच गए और गुजरातियों ने मेरा स्वागत भी कर दिया. भाई अभी मैं आ रहा था तो एक बंदे ने मेरे को गांडो छोकरो बोल दिया. गांडो छोकरो क्यों बोलते हैं यार इधर? अब हमारा टाइम था गुजरातियों को बताने का कि हम भी आ चुके हैं. ओके गाइस, फाइनली आ चुके हैं उसी लोकेशन पे जहां आज हम दोनों में से कोई एक टकला होने वाला है. एमसी स्टैन बताए, पसंद है? नहीं. क्यों? छपरी जैसा लगता है. छपरी जैसा लगता है. ये और हमने देखा कि लोग आईपीएल का कार्ड लेके घूम रहे थे जिससे उनको अंदर स्पेशल एक्सेस मिल रहा था सुबह के टाइम पे स्टेडियम के अंदर एक्सेस. भाई यार मेरे को भी आईपीएल वाला कार्ड चाहिए. इनके पास जो कार्ड रहता है ना, उनका एटीट्यूड एक अलग ही रहता है. बहुत गंदा एटीट्यूड है. और कार्ड पे लिखा क्या रहता है? वेंडर. अरे भैया, ये कार्ड कैसे मिलता है? ऑफर देता हूँ, 2000 रुपए का. भैया शर्मा का कैमरा देख. और फिर सोचो हमको क्या दिखता है. हमारे पीछे एक लड़कियों का ग्रुप था, उनके पास वो स्पेशल एक्सेस वाला कार्ड था. भाई क्यों मिला इनको? इनके पास आईपीएल की कार्ड्स है पूरे. उनको ये भी नहीं पता होगा विराट कोहली बैट्समैन है या बॉलर. पर जो भी है, मैं तो हूँ लॉयल आरसीबी फैन. आरसीबी का टी शर्ट दो ना. आरसीबी का? आरसीबी नहीं, नहीं है क्या भैया? और फिर मुझे मेरी तरह ही वहाँ एक और इंसान दिख गया. सर प्रणाम. विराट कोहली का फैन इधर दिख के बहुत अच्छा लग रहा है यार. आप तो हार गए भाई. भाई हम हारे तो क्या यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. 16 साल? अरे 16 नहीं, 100 साल होंगे. 100 साल? कोहली भाई. अब तो टाइम था फुल आरसीबी का लॉयल्टी दिखाने का. है ना, 14 साल से आईपीएल मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ. सिर्फ तुमसे वोटर लूंगा और किसी से नहीं लूंगा. दो मेरे को. कितना? 10. गूगल पे क्या करे फिर? अब प्यास लगी इसके लिए. टीम हारती है भाई. चलिए भाई ये सुनने के बाद भैया दिल से खुश हो गए. भाई पता नहीं क्या बोले, पर सब चिल्लाए तो मैं भी चिल्लाने लग गया. पर मजे तो आ रहे थे गुरु. इसी खुशी में फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं शाउट आउट दूंगा तुम में से किसी एक को. एंड दिस वीक शाउट आउट गोज टू निखिल गौरव. सो सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड लेट्स मेक आवर सच्चू सेना स्ट्रॉन्गर. मेरा यूट्यूब का नाम मिस्टर बीस्ट. 100 मिलियन है मेरे. कितना मिले? 100. कब किया? अरे हो गया 1 साल. भाई क्या कर रहा था मैं. आई रिग्रेट. सिर्फ टिकट के लिए आपको बाइक पे लेके गए, मारपीट कर रहे थे.
सनराइजर हैदराबाद को सपोर्ट करते हो क्या? नहीं मेरे को लगा उसी को सपोर्ट। आप कोटा कोटा आया इंजीनियरिंग कर रहे हो क्या? पढ़ाई कर रहे हो? ये आईआईटी करनी चाहिए आपको, आपके शक्ल पे भाई। और भाई मेरे को नहीं करना चाहिए था ये, पर आई कुडंट कंट्रोल वो उसकी शक्ल देखने के बाद मैं और क्या बोलता उसको। बस जो आ गया वो बोल दिया यार। मेरा हार्ट ब्रेक हो गया अभी, जस्ट हार्ट टचिंग मोमेंट हुआ था, हार्ट ब्रेक हो गया, टूट गया भैया दिल, क्या करूं? क्या करूं? मर जाओ, मर जाओ। ठीक है आप बोलते तो मर जाओ। भाई मैंने तो मम्मी को फोन करके बोल दिया कि जिस बाल के साथ मैं पुणे से निकला था वो शायद जब मैं वापस लौटूं तो नहीं होंगे, पर ये सब जो भी होने वाला है ऑब्वियसली मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, पर क्या होने वाला है ये तो अब कल ही पता चलेगा। एंड फाइनली इट वाज मैच डे। भाई टुडे इज फाइनली आईपीएल फाइनल डे। पर प्लेयर से भी ज्यादा नर्वस मैच के पहले हम दोनों थे। यार जो भी हो अब आरसीबी को फाइनल तक लेके जाना तो मेरा ही काम था। मेरे पास एक स्पेशल सरप्राइज है। यस हमारा एक और दोस्त आया यहाँ पे और वो साला लिवरपूल की जर्सी पहन के आया। भाई क्या पहन के आ गया? अरे जर्सी नहीं मेरे पास आईपीएल। अब तेरा पनिशमेंट, अब तेरा पनिशमेंट। मुझे पता था ये होने वाला है और इसलिए एक रात पहले से हमने उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज तैयार रखा था। क्या बोलूं यार भाई, ये अकेले एक्साइटेड है, बस पूरे स्टेडियम में भाई अकेले एक्साइटेड है, इनको खुश है। ज्यादा नाचने के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। मुझे लगा कि सिर्फ इस बंदे का नसीब खराब है, पर इसके बाद पूरे स्टेडियम का नसीब खराब हो गया। मौसम एकदम से बदल ही गया, कवर्स लगाने पड़ गए और मैच डिले हो गया। यार बारिश तो रुकी नहीं भैया, बारिश नहीं रुक रही, क्या करे, कुछ करो ना अभी भाई, कुछ सोल्यूशन बता रहा अभी। सोल्यूशन ये है, 2 घंटे का टॉप बुक करो, खेलो मस्त, जो जीता वो विनर। भैया कितने का है? 50 50। 50 का है? वो तो 100 में दे रहे हैं दूसरे वाले। आप सही हो भैया। भैया आप आगे जाओगे भैया, जाते रहे आगे। हंसी मजाक तो चल रहा था पर अंदर ही अंदर सब बारिश रुकने की उम्मीद में थे और फिर उन्हीं उम्मीदों पे पानी फेर गया। नहीं यार मैच पोस्टपोन हो गया, बारिश तेज हो रही थी, सबको वापस घर लौटना पड़ा और ये कोई झटके से कम नहीं था क्योंकि हमारी बुक फ्लाइट्स को जाने देना पड़ा और होटल्स को भी एक्सटेंड करवाना पड़ गया था। सोचा भी नहीं था कि बारिश हो जाएगी, इतनी दूर से आए हम फाइनल देखने के लिए और उसी वक्त बारिश हो गई और मैच कैंसिल हो गया। फिर क्या, वापस जाए, फ्लाइट सारी कैंसिल की, होटल को एक्सटेंड किया एंड नेक्स्ट डे वी वर बैक इन एक्शन। बट फिर वी फाइनली विटनेस द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी। मैच तो चलते जा रहा था, कभी समर्थ मेरे मजे ले रहा था तो कभी मैं उसके मजे ले रहा था, पर फिर धोनी ने स्टंपिंग कर दी। मैच तो आगे बढ़ता गया भाई, गुजरात तो मारे जा रही थी, दिल की धड़कन बहुत तेज होती जा रही थी। बट भाई स्टेडियम में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि प्लेयर से ज्यादा नर्वस क्राउड में बैठे हुए दो लोग होंगे, बालों से इतना ज्यादा लगाव जो है फट रही थी अंदर से। पर इसके बाद जो हमने एक्सपीरियंस किया वो लिटरली लाइफ का एक अनरियल एक्सपीरियंस था और सब कुछ भूलकर बस इस मोमेंट को खुल के विटनेस किया एंड इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग।
पर इतनी बड़ी जो शर्त लगाई थी उसे कैसे भूल सकता था। और अगर मैं टकला हो गया तो मेरे पास एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लग जाएगा मेरे साथ। तूरे लौरे बींद बींद तूने दा। What color is your trophy? Which one? चलो बाय बाय, हो गया आपका समाप्ति दरी। यार ये टीम ने मुझे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा है, पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुझे बोलने लायक छोड़ा था। Boy is getting sad because boy knows what is coming next and I can see what is coming next. जब पूरी क्राउड मैच के मजे ले रही थी तब मैं प्लेयर से भी ज्यादा नर्वस था। I can see my coming next, not anyone else. पर फिर क्या होने वाला था ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बट सब कुछ आ चुका था एक आखिरी ओवर पर। गाइस लास्ट ओवर 13 रन्स रिक्वायर्ड। आखिरी 6 बॉल डिसाइड करेगा कि आज कौन घर लौटता है अपने बाल के बिना। यस नाइस नाइस कम ऑन। मेरे साइड का बंदा कुछ सही नहीं दिख रहा है, उसका मानसिक संतुलन हिल चुका है। 4 रन और 1 बॉल, पूरा स्टेडियम पागल हो गया है। आखिरी ओवर से लेके आखिरी बॉल तक ये मैच आ चुका था और सिर्फ मैं नहीं 100,000 लोग पूरे स्टेडियम में इस एपिक मोमेंट को विटनेस करने वाले थे। जिंदगी में एक बात तो सीख ली कि वापस ऐसे शर्तें नहीं लगानी। और यस मैं शर्त जीत चुका था और अब टाइम आ चुका था उसे इस शर्त को पूरी तरह से निभाने का। और उसके बाद जो दर्द हुआ वो डायरेक्ट इधर लगा। पर सच में ऐसा कुछ करना तो अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा एंड फॉर श्योर इट वॉज समथिंग क्रेजी। बट ऐसी ही कुछ चीज़ें जो कि आगे 5-6 सालों बाद दोस्तों के साथ यादें बन के रह जाएगी और ऐसी ही कुछ चीज़ें जो कि शायद अपने बच्चों को कहानी की तरह सुना रहूँगा। बट किसे पता हम कब तक जिंदा है, इसलिए यही टाइम है मेक द बेस्ट ऑफ द मेमोरीज विद द बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स बिकॉज क्या पता कल हो ना हो। तो बस इससे हमें क्या सीख मिलती है? कुछ नहीं यार, अपनी खेती है उगा लेंगे।